छतरपुर में एक दलित युवक की दो युवकों द्वारा पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दलित युवक सहित तीन लोग पार्टी कर रहे थे, तभी दलित युवक के खाना सबसे पहले खाने की वजह से उसकी पिटाई कर दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। रिहार थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव में एक दलित युवक की हत्या के पीछे की वजह छुआछूत बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार किशनपुरा गांव में 7 दिसंबर को तीन युवक पार्टी कर रहे थे, जिसमें एक दलित युवक भी शामिल था, और दलित युवक देवराज अनुरागी का कसूर इतना था कि उसने सबसे पहले खाने को टच कर दिया। यह बात उसके दो सहयोगियों भूरा सोनी और संतोष पाल को नागवार गुजरी। उन्होंने पहले कहा सुनी की और उसके बाद पिटाई करना शुरू कर दी। युवक को लाठी डंडों से इस कदर पीटा गया कि वह बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे उसके घर छोड़ा गया और कुछ ही समय बाद युवक ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतक युवक देवराज अनुरागी के परिजनों ने भूरा सोनी और संतोष पाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए दोनों युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है। साथ ही घटना की भी गहराई से जांच कराई जा रही है। यहाँ से ले गए रोटी खाते संतोष पाल, खिलान गड़रिया का लड़का पकड़ के ले गया है। अच्छा, भूरा सोनी का भाई एक रहा है, दादा का लड़का है वो, उसका नाम मालूम नहीं है मेरे। अच्छा, बाहर रहता है। अच्छा, अब भूरा भी रहा है। अच्छा, सब भी रहा है। हाँ। अब वहाँ यहाँ से पकड़ के ले गए हैं नारीगंज में, वहाँ जंगल में। अच्छा, वहाँ तहत कुछ किया है, मारा है उनको, बहुत भी मारा है। ये 7 तारीख के शाम की घटना है, किशनपुरा गांव है ग्वारिहार में। तो एक देवराज अनुरागी, मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त उनको बताया गया है, तो उनके घर पे दो लोग आए, एक सोनी और एक पाल, उसी के गांव के हैं, और उन्होंने उसको शाम में खेत पर खाना पीना करने के लिए बुलाया और 2 घंटे बाद वापस घर पे छोड़ दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।